हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर टर्किश लीग का मैच हो रहा है SCM वर्सेस फेनरबैके के बीच। लेकिन यहाँ पर एक हैरान वाली कर देने वाली बात यह है कि सैमसन पोर इस बार टर्किश के लिए हुई क्वालिफाई, और फेनरबैके तो शुरू से ही खेलती आई है और हमेशा से टॉप पे रही है। सो यहाँ पर फेनरबैके के लिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल है SCM के लिए। लेकिन SCM ने पिछले सीज़न में जहाँ भी खेलती थी टीम, बहुत दम दिखाया उधर जो यहाँ तक है। तो मैं बहुत अच्छी टीम लग रही है मेरे को दिखने में, तो मतलब प्लेयर स्क्वाड देख के तो अच्छा लग रहा है, बाकी खेल में पता चलेगा, देखने में फ़र्क होता है। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, एक आध टीम ओपन आएगी, ज़रूर आएगी यार, ये पूछने वाली बात नहीं है। आप लोग पूरा मैसेज लिस्ट भर देते हो पूरा टेलीग्राम पे, पूरा मतलब कि ओपन आएगी, ज़रूर आएगी, ये तो पूछने वाली बात नहीं है। दूंगा यार, रात को एक आधी टीम ओपन आएगी, इधर ही आएगी और लिंक नीचे है। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की। देखिए, इस SCM एंड फेनरबैके में जो मैच हो रहा है, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं फेवर करूंगा फेनरबैके को। देखो, जो मर्जी हो, FEN टीम हारे, FEN टीम जीते, लेकिन मेरा फेवर जो पहले फेवर रहेगा वो FEN को रहेगा, क्योंकि जीतने के चांस जो हैं, जो दम जो रखती है टीम, वो FEN है। स्ट्राइकिंग में अगर बात करें, इतना बड़ा स्क्वाड आप देखिए किस टीम का है। एडिन डेजेको जो बाप खिलाड़ी रहा है, शुरू से आज तक फेनरबैके की तरफ से नहीं खेला, इसका फर्स्ट टाइम है। सी अंडर आज तक इधर से नहीं खेला, फर्स्ट टाइम है। मिची बैटशुई पिछले सीजन ज्वाइन हो चुका था, जे किंग भी हो चुका था, ठीक है। उसके बाद दूरसन है, पोबे कितने प्लेयर लिए इन्होंने, एम उमुट नायर हो गया, पागल कर दिया भाई, इतने स्ट्राइकर किसी टीम में नहीं है, तो बहुत बहुत स्ट्राइकर इन पे। ये आज पूरी टीम को सब्स्टिट्यूट करके स्ट्राइकर बदल दें तो फिर इनके पास इतना दम होगा, कुछ नहीं है इनके लिए मैच जीतना। अगर जिस हिसाब से स्क्वाड है, जिसमें देखो फ्रेड जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में था उसको लिया इन्होंने, इन्होंने फेनरबैके में एक प्लेयर लिया डुसन टेडिक जो अजैक्स टीम में खेलता था, इन्होंने लिया है एम नहीं इन्होंने और ये तो पुराना था डैमिर भी, मतलब इतने प्लेयर भाई, आर कैंट, ओ हो मज़ा आ गया भाई, ठीक है। तो पिछले मैच में देखिए, एडिन तो खेला नहीं था, पिछले मैच में मिची खेला था, बट मुझे लगता है आज के मैच में मिची और एडिन को चांस दिया जाना चाहिए। नहीं भी दिया अगर एडिन को चांस, तो अंडर या किंग को तो चांस देना ही चाहिए, वो लास्ट में पता चलेगा। लेकिन मेरा मिची बैटशुई कन्फर्म है, एडिन अभी नया है इस टीम में, बट एडिन अभी फ्लॉप था पिछले सीज़न, इधर नहीं अपनी ओरिजिनल टीम में, ठीक है, जहाँ पे पहले खेलता था, जिस क्लब में पहले खेलता था वहाँ पर। अगला प्लेयर दो में से एक लेना है, एक है हमारे पास ऑप्शन जिसका नाम है मोर्के फोफाना, एक हमारे पास अगला प्लेयर जिसका नाम है मेरियस, बट मेरियस थोड़ा वीक पड़ रहा है, तो फोफाना इज़ अ पेनल्टी टेकर ऑल्सो, सो मैं फोफाना के साथ जाऊँगा। मिडफील्डिंग सेक्शन से बात करें, यहाँ पर लूँगा डी टेडिक को, ठीक है, इसके साथ जरूर जाऊँगा। डी टेडिक के बाद अगला प्लेयर थोड़ा हमें सोच के लेना पड़ेगा, क्योंकि डैमिर भी है, तो यहाँ पर बहुत ऑप्शन है। मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर रिस्क लेना बेकार हो सकता है, क्योंकि मेरा जो दिल कह रहा है, मेरा कह रहा है कि आपको सेबेस्टियन लेना चाहिए या लेना चाहिए आई कैन, ठीक है, ये दोनों प्लेयर हैं, इन दोनों में से एक लेना चाहिए। मेरा जिस पे मन है, मैं अभी सेबेस्टियन को ले रहा हूँ, क्योंकि अभी फ्रेड का खेलना कन्फर्म नहीं है। एल हेनरी क्यू को लो मत, क्योंकि वो इंजर्ड है। एम ये बाकी ईम और जैजिक ये कभी कभी चलते हैं, ठीक है। ऑपोजिशन टीम की बात करें, स्किंडलर अच्छा है, और स्किंडलर के बाद ई किलिंग तो है ही, क्या उसके बाद आप और भी प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को और एक्सपेक्टेशन, देखो मेरे को, हाँ मैंने स्किंडलर को लेना था, इस आई एम एग्री, बट किलिंग को भी लूँगा क्योंकि वो अच्छा खेलता है। एंड डिफेंडिंग सेक्शन से बात करें, अजीज़, ठीक है, एस अजीज़ एंड अकेदिन तो मेन है, बेकायो को लेना ले लो, बट आई एम गोइंग विद ऑस्टरवॉल्ड, क्योंकि पिछले मैच में बहुत बढ़िया गेम प्ले था। बात करें गोल कीपिंग की, यहाँ पर है कोकुक, तो लेट्स सी SCM का ये प्लेयर कैसे फेस करता है, क्या नया करता है FEN के साथ, क्योंकि FEN बिल्कुल नई टीम है। FEN में भाई पहले ये नहीं था, और सेबेस्टियन भी शुरू में नहीं था, ऑस्टरवर्ल्ड भी नहीं था, तो मतलब एक अलग लेवल का थोड़ा मज़ा आने वाला है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने तुर्किश लीग की टीम बनाई है, मज़ा आ गया, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले कप्तान की, तो कप्तान है डी टैडिक, क्योंकि पिछले मैच में भी ग्रेट गोल आया था, और फॉर्मेशन भी इस हिसाब से खेल रहा है कि वो गोल करेगा, और टैडी को इस टीम में बहुत रिस्पेक्ट दी जाएगी। और वाइस कप्तान अभी मेरा है एडिन, नहीं खेलेगा तो मिची बैटशुई। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।